बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन परीक्षा संबंधी कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे बेटा। उसमें अपन जलवायु पाठ के कुछ उपयोगी प्रश्न है जो परीक्षा के अंतर्गत आ सकते हैं, आप अपन उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे बेटा सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर देखिए, अपनी नदी अपने मार्ग के अंत में क्या निर्मित करती है। नदी अपने मतलब जो नदी अपने मार्ग से बहती है उसके अंत में क्या निर्मित करती है, तो जलप्रपात, बाढ़ के मैदान, डेल्टा या एसेंचुरी या फिर गोखुर झील। तो नदी जब अपने मार्ग के अंत में जाती है तो वह डेल्टा या क्या करती है, निर्मित करती है। भारत, उत्तर भारत की नदियों की विशेषता नहीं है, मतलब उत्तर भारत की नदियों की विशेषता नहीं है, जलप्रपात की संख्या कम है, यातायात हेतु उपयोग होता है, विषर्ण नहीं होते, जल की प्राप्ति हिम और वर्षा से होती है। तो इसमें क्या नहीं होते, विषर्ण नहीं मिलते। जो उत्तर भारत की नदियां विशेषता नहीं है वो है विषर्ग नहीं मिलते। फिर किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। तो नर्मदा नदी को कहते हैं क्या, कृष्णा नदी। और थर्ड ऑप्शन है बेटा कावेरी नदी, और फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो जो गोदावरी नदी है बेटा वह दक्षिण भारत की क्या है, गंगा कहलाती है। कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है, कृष्णा नदी है जो किन राज्यों से प्रभावित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा या आंध्र प्रदेश से। थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु से। और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ओडिशा से। तो कृष्णा नदी किन राज्यों से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से क्या होती है, इन राज्यों से प्रभावित होती है। फिर अफवाह तंत्र से क्या आशय है, और किस क्षेत्र के जो अफवाह तंत्र होते हैं क्या आशय है इसका, ये वायु तंत्र से है, नदी तंत्र से है, जल तंत्र से है या पर्वत तंत्र से है। तो जो अफवाह तंत्र है वह है कैसे होते हैं, नदी तंत्र से, ये नदी तंत्र से है। इसके बाद है गंगा नदी की लंबाई लगभग है, गंगा नदी की लगभग जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर। तो जो गंगा नदी की लंबाई है वह है 2500 किलोमीटर से अधिक। इसका सही आंसर है 2500 किलोमीटर से अधिक। फिर उसके बाद है अरब सागर से गिरने वाली नदी, अरब सागर में मतलब जो अरब सागर है उसमें गिरने वाली नदी कौन सी है, गंगा, नर्मदा, महानदी या ब्रह्मपुत्र। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर मतलब गिरती है। फिर है संभार झील, झील किस राज्य में स्थित है, जो संभार झील है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो संभार झील कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण का आरंभ कब हुआ, तो जो नदियों का संरक्षण है वो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण का प्रारंभ कब हुआ, 1980 में, सेकंड ऑप्शन 1985 में, और थर्ड ऑप्शन है 1990 में, और फोर्थ ऑप्शन है 2000 में। तो नदी का संरक्षण प्रारंभ हुआ 1985 में, कब प्रारंभ हुआ, 1985।
नमामि देव नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या गुजरात, छत्तीसगढ़, या फिर महाराष्ट्र। तो जो नमामि देव नर्मदे जो है वह किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। उसके बाद बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गंगा नदी नामक काली स्थान, जो गंगा नदी है काली स्थान नामक हिमानी से निकलती है। तो जो गंगा नदी है वह कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पर आपके खाली स्थान में आएगा गंगोत्री। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। फिर है चिल्का झील, खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील है कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां, जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां खालिस्तान से निकलती हैं। तो इसका आंसर है बेटा पश्चिमी घाट से। जो पश्चिमी घाट होते हैं, जो पश्चिमी घाट होते हैं वहां से निकलती है। स्थान में देखेंगे अपन पश्चिमी घाट। यमुना नदी हिमालय से निकलती है। यमुना नदी हिमालय के खाली स्थान से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री। फिर है सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले हैं खालिस्तान से लिया गया है। जो सुंदरवन डेल्टा है वह कैसे लिए गए हैं, सुंदरी पदक। जो सुंदरी पदक होते हैं सुंदरी पादप से लिए गए हैं। फिर है प्रायद्वीप नदी अपने मुहाने पर खालिस्तान का निर्माण करती है। तो काय का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। काय का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जहाँ तीव्र धार में गिरती है वहां खालिस्तान का निर्माण करती है। नर्मदा नदी है जहाँ पर तीव्र मतलब तेज गति से गिरती है वहां पर क्या निर्मित करती है, धुआंधार प्रताप निर्माण करती है। तो यहाँ पर आएगा धुआंधार प्रताप। क्या आएगा, धुआंधार प्रताप। फिर उसके बाद है खालिस्तान सबसे बड़ी प्रायद्वीप है। जो खालिस्तान है वह कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है, वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है।
नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बेटा सत्य सत्य है, देश की अर्थव्यवस्था है मैं नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका आंसर होगा बेटा सत्य, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। फिर इसके बाद है सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, तो ये भी हो गया बेटा सत्य। क्या है ये? फिर हिमालय की अधिकतर नदियां मौसमी नदियां होती हैं, तो हिमालय की अधिकतर नदियां मौसमी नदियां नहीं होती, ये है असत्य। फिर कृष्णा तथा गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, जो कृष्णा और कावेरी नदी व हिमालय नहीं, ये भी क्या है? असत्य। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, मतलब जो अंबाला से सुंदरबन की जो मैदान है उसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है, ये है सत्य। फिर है गोदावरी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो गोदावरी नदी है वह कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये है सत्य। फिर है महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल से है, जो महानदी है उसका जो उद्गम है वह कहाँ से हुआ है? वह हुआ है पश्चिम बंगाल से, तो ये भी क्या है? गलत है, महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल से नहीं हुआ है, ये है असत्य। फिर है पृथ्वी की धरातल की लगभग 97% जल लवणीय है, तो पृथ्वी की जो धरातल पर लगभग 97% जो जल है वह कैसा है? लवणीय है, तो ये भी क्या है? ऑप्शन सत्य है। उसके बाद में बेटा एक वाक्य में उत्तर दो, तो एक वाक्य में उत्तर दो, नर्मदा नदी किस प्रदेश में से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर है गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र मिलने पर कहलाती है, जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है वो मिलने पर क्या कहलाती है? वह कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? मेघना। ये आपके लिए एक बात के उत्तर दो बेटा, एक नंबर के। फिर प्रायद्वीप नदियों की विशेषता है, प्रायद्वीप नदियां जो होती हैं वह कैसी होती है? मौसमी होती है। कैसी होती है? मौसमी। जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो कैसी होती है? मौसमी होती है। फिर है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो जो नागार्जुन सागर है वह तो जो परियोजना है किस नदी पर है? वह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसका आंसर होगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। फिर है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? वह है गोदावरी, प्रायद्वीप। तो यहाँ पर आएगा गोदा। एक बात में उत्तर दो, तो जो गोदावरी नदी है वह कौन सी नदी है? वह प्रायद्वीप नदी है। फिर है भ्रंश अभा होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी है, जो भ्रंश होते हैं वह अभा होकर अरब सागर में क्या?
ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती हैं। जो दक्षिण भारत की नदी होती है, जो दक्षिण भारत की नदी जो ग्रीष्म एवं शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल क्या करती है, प्राप्त करती है, मैं कौन सी नदी है, कावेरी। इसका आंसर है कावेरी नदी। फिर लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान में बहने वाली नदी, लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान में बहने वाली नदी कौन सी है, वह है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, वह सिंधु नदी। भारतीय मनुष्य की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए, तो जो लूनी नदी है, लूनी नदी है वह भारत की मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, भारतीय मरुस्थल है जो उसकी एक महत्वपूर्ण नदी है, उसे क्या कहते हैं, लूनी नदी। पाकिस्तान के चेनाव में मिलने वाली नदी, तो पाकिस्तान के चेनाव में जो मिलती है वह नदी है यमुना। कौन सी नदी है, यमुना। तो ये बच्चों एक बात के उत्तर दो थे, ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं आपके, आपको परीक्षा के दृष्टि से इनकी तैयारी कराई जा रही है, आप इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें और कॉपी में लिखें और परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद बच्चों।